एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑन दिस लुक राइट है, और ये लुक मैंने क्रिएट किया है यूजिंग प्रोडक्ट्स ओनली अंडर 500 रुपीज। तो बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है एंड ऑल्सो बहुत ही इजी पीसी होने वाला है। इवन तो ये बहुत ही ग्लैमरस सा लुक है, बट स्टिल बहुत ही ईजी है क्रिएट करने के लिए, लाइक मेरी सारी वीडियोज के। सो एज आई सेड, आई हैव क्रिएटेड दिस लुक यूजिंग प्रोडक्ट्स ओनली अंडर 500 रुपीज। तो अगर आपको देखना है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बट बिफोर दैट रुको, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई भाभी चैनल एज वेल। मैंने अभी रिसेंटली भाभी के साथ एक वीडियो पोस्ट करी है, बहुत ही अमेजिंग है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट, और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये वाली हार्ट इमोजी कमेंट में जरूर बना देना, पिंक वाले हार्ट मिले तो वो भी डाल देना। And also don't forget to follow me on my Instagram and on my TikTok account. And now let's get started. रूटीन कर लिया है और वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर भी है, मेरा स्किन केयर रूटीन जिसकी हेल्प से मुझे एक्ने स्पॉट्स बहुत ज्यादा रिमूव हो गए हैं मेरे। तो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। एंड प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका प्रेप मी अप प्राइमर, दिस इज फॉर एक्जैक्टली 500 रुपीज, और ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइमर है। सो आई एम क्विकली गोइंग टू अप्लाई दिस। Now I'm gonna take this Swiss Beauty concealer. ये थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन से, तो इसको मैं अपने अंडर आईज के ऊपर और अपने माउथ एरिया के पास लगाऊंगी, जिससे कि थोड़ी सी पिगमेंटेशन जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। एंड माई शेड इज सैंड सेबल। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, आई एम इन द शेड 115, और ये थोड़ा सा मैट है मेरे लिए, तो इसमें मैं मॉइस्चराइजर मिक्स करके अप्लाई करूंगी। हाईलाइट माई फेस विद दिस वेट एंड वाइल्ड कंसीलर, एंड दिस इज लाइट फॉर माई स्किन टोन, तो मैं इसको अपने हाईलाइटिंग एरियाज के ऊपर अप्लाई करूंगी। So now I'm gonna take this Take Quirky loose powder, और इससे मैं अपनी सारी मेहनत को सेट कर लूंगी। ओके, अब मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की रोज इन द एयर आई शेडो पैलेट। ये वाले कलर से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। So I'm gonna pick up this transition color now. So now I'm gonna take this cranberry color and इसको मैं बिल्कुल अपने outer V के ऊपर pack कर दूंगी ये color को। एंड देन मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। ओके, सो नाउ आई एम गोना टेक दिस ब्यूटिफुल ग्लिटर, दिस इज बाय टीएस कॉस्मेटिक्स एंड द शेड नेम इज बून, एंड बहुत ही प्यारा सा पिंक टोन कलर है। सो आई एम गोना अप्लाई दिस कलर ऑन ऑल ओवर माई आईलिड, और इसको मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरा नेल टूट चुका है और वो इजिली अप्लाई हो जाएगा। मैं सेम क्रैनबेरी कलर को पिक करके अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगी। ओके,
ओके आई एम गोना रिपीट द सेम ऑन दिस आई और आई लैशेस मैं आप लोगों के साथ ही अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आई लैशेस भी दिखाया करो कैसे अप्लाई करते हैं तो इसलिए आई एम गोना कंप्लीट दिस आई एंड आई विल राइट बैक. सो गाइस आई लैशेस के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये पैक की आई लैशेस इन द नंबर M75 और ग्लू भी मैं पैक की यूज कर रही हूँ. दिस इज द पैक लैश फिक्सर. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई द लैश ग्लू ऑन माई लैश बैंड एंड ये वाली लैश ग्लू को 10 सेकेंड्स के लिए ड्राई होने देना होता है एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई इट. तो ड्राई होने से वो थोड़ी सी टैकी हो जाती है और अच्छे से स्टिक करती है, रखते ही स्लाइड नहीं हो जाती. थोड़ा सा आप इसको ऐसे करके बेंड भी दे सकते हो. So I'm gonna take this Sugar Cosmetics Contour the Force and this is in the shade 01 Top Topper and this is how it looks like and of course इससे मैं अपने face को थोड़ा सा structure दूंगी, contour करूंगी. For nose contouring I'm gonna use this pack brush in the number 268 और ये इस type से बिल्कुल straight सा है तो ये easy रहेगा. So for blush I'm gonna apply this Lakme 925 blusher in the shade Nude Flush और मैं बिल्कुल थोड़ा सा blush apply करूँगी क्योंकि already बहुत ही pinky सा सब कुछ है तो ज़्यादा गुलाबू ना लगूँ. तो वो ग्लैम मेकअप है तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट हाइलाइटर अप्लाई करूंगी. आई एम गोना अप्लाई दिस स्विस ब्यूटी का जेली हाइलाइटर तो इसके अंदर थोड़े से शिमरी पार्टिकल्स या फिर ग्लिटर पार्टिकल्स भी है तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप दूसरा हाइलाइटर अप्लाई कर लेना बट मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई कर रही हूँ. सो ये जेली कंसिस्टेंसी में है तो टेक्निकली मुझे पाउडर से पहले अप्लाई करना चाहिए था बट आई डोंट थिंक ये थोड़ा क्रम्बल करेगा. कैन यू सी दैट? एंड ऑफकोर्स क्योंकि जेली है तो मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ इसको क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू अप्लाई इट. एंड लास्टली फॉर माई लिपस्टिक मैं अप्लाई करूंगी लैकमे की लिपस्टिक. दिस इज द लैकमे फॉर एवर मैट लिप कलर. इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी किया है जो भी शेड्स लॉन्च हुए थे उनका एंड दिस इज द शेड पिंक ग्लैम. So this is the final look you guys and I really hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, ईजी था ना क्रिएट करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ऑल्सो ये वाली हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में बनाना मत भूलना. मेरी भाभी के चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना. उनको सब्सक्राइब भी कर देना गाइज, बहुत ही मेहनत कर रही है, बहुत ही अच्छी वीडियोज बना रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हर एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू मी एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज एज वेल, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर फॉलो करना मत भूलना एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.